मान साहब सत श्रीकाल ठीक ठाक है ना। हाँ जी, सड़क सुरक्षा सप्ताह रोटरी क्लब राजपुरा विखे ऋषि मॉडल स्कूल दे सहयोग नाल मनाया जा रहा है, जिस दे इंचार्ज रुपिंदर सिंह मान AS सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंचार्ज राजपुरा। थैंक यू धर्मवीर नाथ पाल। ये जिहड़ा 11 तो 17 तक कला पटियाले डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरे भारत विच मनाया जा रहा है। अज श्री मान योग DSP ट्रैफिक अजिंद्रपाल सिंह PPS SHO सदर सरदार सुखपाल सिंह SHO सिटी सरदार सुमिंदर सिंह ट्रैफिक इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट पटियाला इंस्पैक्टर राहुल पवन जी समूह स्टाफ के सहयोग न जिस विशेष तौर पर क्लब के चेयरमैन श्री विजय गुप्ता जी रोटरी क्लब के गवर्नर श्री प्रदीप चहल जी प्रधान श्री ईश्वर दत्त तिवारी जी और समूह मैंबर साहबान के सहयोग न हर साल की तरह मनाया जा रहा है। ऋषि मॉडल स्कूल के प्रिंसीपल साहब और समूह स्टाफ और बच्चों के तहरों धन्यवादी हाँ जिन्होंने बहुत कीमती समा कट के बड़ी उत्साह मदद की। सड़क सिक्ख्या हफ्ता मना की लड़ क्यों पी इस सड़क सुरक्षा एक्सीडेंटा में बहुत कीमती जाना जी असर 2 मिनट की लापरवाही करके जा रहे हैं, एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई बच्चा दसदा भी एक्सीडेंट क्यों होंगे ने कोई बच्चा दसूगा भी एक्सीडेंट क्यों होंगे एनीवन चलो नहीं कुछ तो फिर ठीक है क्वेश्चन पर एक्सीडेंट जो ज्यादा होगा जल्दी दिन जो पता होगा कल ही पहुंचा दूसरे को फास्ट जाओ ज्यादा एक्सीडेंट होता फिर जल्दी करके ज्यादा एक्सीडेंट होते। मोटरसाइकिल कार स्कूटर चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करो। सारा मकसद की पहले तुम दस दें की है 26 सारा रोड सेफ्टी वीक है। ये वीक इस करके मनाया जाता है और जनवरी इस करके रखा जाता है ताकि अपने देश दे विच हर साल जो मौतों का एक्सीडेंट और जो मौतों का रेट है वह बढ़ता जा रहा है। मतलब उस पॉइंट से पहुंच गया है गया कि जेकर आप अवेयरनैस ना की तो साड़ी बहुत सारी यूथ बच्चे जेडे कि जिन्होंने साडे देश का भविख सामना है या साडे देश की बागडोर सामनी है उन्होंने तो सू वाझा होना पैना। थोड़े चो बहुत ऐसे बच्चे हो गए जिन्होंने अच्छे प्लेयर भी होंगे पढ़ाई चो भी अच्छे होंगे लेकिन उन्होंने कैरियर जोड़ा है वो एक छोटे जे एक्सीडेंट के खत्म हो जाता है। पता तुम सारे बच्चे इस गल का यस बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। तुम कोई बहुत ट्रैफिक के रूल्स के कोई एडा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं तुम्हें पैना सिंपल रूल ने ट्रैफिक के हेलमेट पहनना सीट बैल्ट लाना रेड लाइट जंप नहीं करनी 3-4 गल्लां ने जिहड़ियां तुसीं अपने ध्यान च रखनियां। तुसीं बहुत छोटे हो तुहाडे मदर तुहाडे फादर तुहाडे वड्डे ब्रदर सारे तुहानूं जदों तुसीं ड्राइव करदे हो तां नाल चलदे हो तुसीं उहनां नूं समझाउणा कि पापा मामा अपने टीचर्स नूं भी समझाउणा तुहाडे टीचर्स दे वांग भी कनेटिक होंदा लै के आउंदे होंगे ठीक है। जदों इह हेलमेट नहीं लैंदे तां तुसीं इहनां नूं भी कहिणा कि उहनां तुसीं हेलमेट लाओ कहोगे ना ट्रैफिक जो है अजकल बहुत एक बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपनी सड़क ने उन्होंने इन्ना सुधार नहीं हो रहा जिन्हें अपने वहीकल बढ़ रहे हैं। असं जो थोड़ी तरह छोटे होंगे सके अस भी बहुत मोटरसाइकिल भजाते दो दो 3 बज के पुलिस देख के मुड़ जाते होंगे लेकिन उदो समा होर हों उदो ट्रैफिक के इन्ना ज्यादा वायलेशन या इन्ना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होंगे उदो बहुत सड़क खुलिया होंगे सी प्लेग्राउंड होंगे सी हुण डे बाय डे जो है गड्डिया थोड़े टैंपू सारे बहुत सारी चीजा बढ़ती जा रही हैं। इस करके थोड़ी सेफ्टी लई इस देश की यूथ नूं बचाने लई सानूं अवेयरनैस कैंप जिहड़े लाए जा रहे हैं तुहाडे बहुत छोटी छोटी गल्लां हैं तुसीं घरे जाके अपने मदर फादर नूं दसोगे ना बस थोड़ी थोड़ी गल्लां ने तुसीं दसना जे तुहाडे फादर ड्राइव करदे ने कार ड्राइव करदे ने तां अपने पापा नूं कहना कि पापा अपनी सीट बैल्ट लाओ जे तुसीं कहोगे तां उहनां ते जरूर फर्क पऊगा। बाकी तुसीं सारे अजकल की नवीं जनरेशन हो और तुसीं साडे नालों ज्यादा स्याणे हो ठीक है। बहुत बड़े चंगे स्कूल ऋषि मॉडल स्कूल पढ़ते हो
असि जिस स्कूल पढ़ते होंगे पहले सब टाट टूट बचाने पैदे से उत्थे जाके ठीक है तुसी चंगे स्कूल पढ़ते हो तुहाडा ड्रेसअप बहुत वधिया असि चाहते हैं क्योंकि उस वक्त लोड़ सानू असि हौली हौली सीखे तुहानू अज तो जरूरत है नहीं सीखने असी वड्डे होके सीखे ट्रैफिक के रूल्स सीख्या भी किवें चलाना पर जिहड़े बच्चे अज ने क्योंकि रोड्स जिहड़ियां ने ओह बच्चियां लई बहुत अनसेफ रहा करदे जे तुसी थोड़े कॉन्शियस रहोगे तो तुहाडा बहुत वधिया करियर होगा जय जानकारी है भी अपना मानसा परिषद दे चुके हैं बच्चों मैं इतना कहूंगा कि इसके जो है ट्रैफिक की जैसे हम आपको स्कूल में भी बताते हैं आपको जाकर उसकी जरूर पालना करो और ज्यादा कुछ ना कहता हुआ मैं अब थोड़ा सा हम सम्मान जो है यहाँ करना चाहते हैं जिन्होंने सहयोग दिया है मैं उनका नाम बोलता रहूंगा मैं प्रेजिडेंट साहब विजय गुप्ता जी पांच श्री गुंदर विजय श्री गुप्त सिंह जी कहूंगा आप यहाँ आ जाओ थोड़ा सम्मान जो है ना और ले लें सबसे पहले मैं कहूंगा राहुल कौशल जी रोटरी क्लब राजपुरा लक्ष्य रखा सप्ताह 11 जनवरी तो 17 जनवरी 2015 तक जीवन की डोर संभल के मोड़ सुखपाल सिंह जी एस एच ओ सदर इज बीइंग गिवन मोमेंटो सुभाष पासी जी मैडम शशि त्रेजा जी आई रिक्वेस्ट मैडम शशि त्रेजा जी श्री आई टी तिवाड़ी सैकटरी साहब साढ़े के समी ऋषि स्कूल दे सुभाष पासी जी येस बैंक तो जिन्हों के नुमाइंदे आए हुए हैं स्कूलों के बच्चे स्कूलों का स्टाफ ऋषि मॉडल स्कूल थोड़े बच्चे कमल पब्लिक स्कूल तो आए साडे रोटरी के भी बच्चे कुछ बैठे थे रोटरी स्कूल साडा चल रहा है ते प्रेस काफी चंगी गल है प्रेस की बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ते नाल ही साडे रोटरी के मैंबर आज ये जो हमारा ट्रैफिक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है इसके बारे में हमारे जो मान साहब हैं उन्होंने काफी डिटेल में आपको टिप्स दिए हैं कि कैसे आपको गाड़ी ड्राइव करनी है कैसे आपको करना है सारा हालांकि योर चिल्ड्रन बच्चे हैं आपको गाड़ी नहीं चलाएंगे आपको पहले रोक दिया उन्होंने 18 साल से नीचे बच्चे नहीं चलाएंगे लेकिन आपको ये भी कहा है कि अगर आप अपने माता पिता के साथ हैं तो आपको उनको रोकना चाहिए आजकल पेपर में आपका टीवी देखते हैं बच्चे सारे yes.
टीवी में एक ऐड आ रही होती है आजकल कि एक बच्चा दीवार पे कुछ लिख देता है तो उसका फादर उसको बोलता है अरे ये क्या कर रहा है जी, तेरे को बोला था ये काम नहीं करना। तो बच्चा बोलता है कि आपको भी ठुकराल अंकल ने बोला था कि इसमें फिक्स सीट लगाओ, आपने क्यों नहीं लगाई। तो बेटा आप वो बच्चे वहां से सारा ये आजकल ये ट्रेंड है कि अभी नई जनरेशन, राहुल साहब ने भी कहा है हमारे कि नई जनरेशन जो है ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो ट्रैफिक ऑब्जर्व करने की है, चाहे वो क्लीन इंडिया की है, मोदी साहब ने जो बोला है। ये बच्चे हैं जो यू विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य आप है, यू आर द फ्यूचर। राहुल जी ने बोला, मैं भी बोल रहा, हमारा तो टाइम, हम तो और स्कूलों में पढ़े हैं, हमारा सिस्टम डिफरेंट था, हमें किसी ने गाइड भी नहीं किया, टू बी वेरी फ्रेंक ऑन दीज इश्यूज, बट यू आर बीइंग गाइडेड, आपको बड़ा अच्छी तरह गाइड किया जा रहा है, अवेयरनेस है, तरह था कि हमारे टाइम में ना टीवी होते थे ना कुछ होता था, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दीज ऑल दीज थिंग्स, लेकिन आपको बड़ा अच्छा आज बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया है। और यू, मैं कहता हूँ आप अपने घर वालों के लिए पुलिस का काम करो, यू शुड बी पुलिस फॉर योर पेरेंट्स। अगर गलत काम करते हैं, चाहे वो कूड़ा फेंकने वाला है, चाहे ट्रैफिक रूल्स का है, लाल बत्ती पे निकलते हैं, यू मस्ट स्टॉप दैम, रोको उनको कि पापा ये गलत है, मम्मी ये गलत है, जो भी लोग ये काम करते हैं। और मैं वैसे ट्रैफिक वालों को ये कहूंगा कि पैदल चलने वालों का भी चालान करना चाहिए, बड़ी जरूरी है, रेड लाइट होती है, पैदल वाले चलते हैं, जब तक हम उसको रोकते हैं गाड़ी तब तक वो लाइट ग्रीन रेड हो जाती है। हाँ, ये पैदल वालों को जरूर रोकना चाहिए, जैसे मस्त रिक्शा वाले रुकते, पैदल वाले रुकते, साइकिल वाले नहीं रुकते। हाँ, ये मतलब कि ये भी मैं ट्रैफिक वालों को कहूंगा, ये भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं ये नहीं कहता उनको चालान करें, हाँ ये नहीं फेंक सकता, लेकिन उनको भी अवेयरनेस लानी चाहिए, तुम्हारी वजह से ट्रैफिक में प्रॉब्लम आती है, जब ग्रीन हमारी ग्रीन है वो रेड चल पड़ते हैं। तो बड़ा मैं थैंकफुल टू हूँ आप सबका जो लोग यहाँ आए हैं। और एक हमारा थोड़ा सा पुलियो का भी हमने किया है, पुलियो का ऐसा प्रोग्राम है कि हमारा रोटरी वर्ल्ड में, सारे वर्ल्ड में रोटरी इंटरनेशनल जो हमारा है, उसने 1985 में ये प्रण लिया था कि हम दुनिया से पोलियो की बीमारी को खत्म करेंगे। 1985 में जब 125 देशों में पोलियो था, और हमें बड़ी खुशी है कि अब हम सिर्फ 3 कंट्री में वर्ल्ड में रह गया पोलियो, और इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, ये हमने लिखा ये 2014। तो ये बहुत बड़ा है हमारा रोटरी का, रोटरी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये सब ने दवाई पी होगी पोलियो की। और अभी भी हमारा 18 जनवरी को, परसों हमारे यहाँ पोलियो का डे है, हमने फिर गवर्नमेंट वाले भी आएंगे, हॉस्पिटल वाले भी, हमारे बूथ भी लगेंगे, आपके घर में जितने लोग यहाँ बैठे, मैं सबको कह रहा हूँ जो भी 5 साल से नीचे बच्चा है उसको आप बूथ पे लेके जाइए, वो दवाई जरूर पिए, 2 बूंद जरूर पिए, दैट इज ए मस्ट, बहुत जरूरी है वो, ताकि हमने अगर ये जो स्टेटस लिया है पोलियो फ्री का, ये हम मेंटेन कर सकें, बहुत जरूरी है ये। तो विद दीज वर्ड्स मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु हैव कम हियर, आप तो जो जिन्होंने टाइम निकाला है, जो बच्चों ने इतना बढ़िया आज रैली की है, मैं उनका सबसे ज्यादा मैं थैंक यू उन बच्चों का करता हूँ। 26 नेशनल रोड सेफ्टी वीक से इस वीक के दौरान असी लोगों अवेयरनेस की बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो अवेयरनेस कराई जा रही है पुलिस ते अज रोटरी क्लब वालों, राइफल पुलिस वालों, ट्रैफिक पुलिस वालों, तो स्कूल दिन अलग अलग रैलियां कड़ी गई, अज रिकी देव स्कूल वालों रैली कड़ी गई है। साडा मेन मकसद यह होंगे कि लोगों की जाना जीडिया कि रोड एक्सीडेंट के बहुत बढ़ रही ने उन्होंने घटाया जाए, जिनी वो तो अवेयरनेस लोगों जो भी छोटे छोटे साढ़े ट्रैफिक के रूल्स ने जो लोग फॉलो करेंगे तो उन्होंने कीमती जिंदगी बच सकते हैं। साढ़े देश की तुम रोज़ पढ़ते होंगे, साढ़े देश की रोज़ यंग जी जनरेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मौत हो गई, तो अच्कल ये बहुत जरूरी हो गया कि असी पब्लिक ना जोड़ के, पुलिस पब्लिक तो साढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जिम्मे रोटरी क्लब है, साढ़िया होर एन जी ओज़ जोड़ के लोगों के वो तो
इस चीज़ का अवेयरनेस वधाइए ताकि एक्सीडेंट घट हो सकन ते वो अपनी जिंदगी नू सेफली रोड्स के उपर रह सकन। जय हिंद।